आज मैं आपको एक मैनेजर का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ जो आपके लिए अपॉइंट है, 24 आवर अपॉइंटेड है आपके लिए काम करने के लिए, बट आपने उसको काम ही नहीं सौंपा है और खुद काम स्वयं खुद कर रहे हो और सैलरी भी उसको दे रहे हो, और वो भी कोई छोटी मोटी सैलरी नहीं, $500,000, और उसको काम नहीं दे रहे हो, सिर्फ उसके टाइटल के लिए पैसा दे रहे हो। यस माय डियर फ्रेंड, वो कौन सा मैनेजर है जो आपके लिए जब आप पैदा हुए तब से लेके अभी तक, आप ये वीडियो देख रहे हो अभी भी वो काम कर रहा है आपके लिए, वो अपॉइंटेड है और आप उसको जानते नहीं हो और उसको कुछ काम भी नहीं सौंप रहे हो। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि वो कौन सा मैनेजर है जो आपके लिए 24 आवर काम करने के लिए रेडी है, और आप उसको आज पहचानिए और अपनी सारी विशेस उससे, उसको ऑर्डर दीजिए, वो अपने आप ही पूरी करेगा। ये सारी चीजों का वर्णन अब्राहम हिक्स की प्रोसेस नंबर 20, टर्निंग इट ओवर टू द यूनिवर्स या टर्निंग इट ओवर टू द मैनेजर। अब इस प्रोसेस को कैसे करना है और ये प्रोसेस क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जब आपको लगे कि कब करना चाहिए, मेन तो ये है इस प्रोसेस को, तो प्रोसेस को तब करना चाहिए जब आपको लगे कि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ मैं इन सब कामों से, कोई मेरी हेल्प नहीं करता है, और आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक एंगर की भी फीलिंग है और आप वो काम करना चाहते हो जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हो या जो रियल में आप काम करना चाहते हो, बट उसके अलावा भी दूसरे काम हैं, तब आपको इस प्रोसेस को करना है। और इस प्रोसेस से क्या होगा, आप एक एकदम लाइट फील करोगे। मींस हम सारा काम का बोझ अपने सर पर लिए रहते हैं, तो इस प्रोसेस को जानने के बाद आपका वो जो भार है वो तुरंत रिलीज हो जाएगा। मींस आप अपने आधे से ज्यादा काम मैनेजर को सौंप दोगे। तो एक्चुअली ये मैनेजर कौन है, ये मैं बताने से पहले आपको एक छोटी सी एक स्टोरी या फिर इमेजिनेशन बताना चाहती हूँ। इमेजिन कीजिए आप एक बहुत बड़े बिग कॉरपोरेशन के ओनर हो, आपके पास हजारों लोग काम करने के लिए हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखते हैं, आपका प्रोडक्शन देखते हैं, आपके मार्केटिंग देखते हैं, आपके ऐड देखते हैं, आपके अकाउंट्स देखते हैं, इवन एडवाइजर हैं आपके जो आपको सलाह देते हैं, इतने सारे लोग हैं आपके पास काम करने के लिए, जो आपने जो भी उनको आइडिया दिया उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। बट आप हर किसी के पास जाके उनकी एक्सपर्टीज क्या है या वो किस तरीके से काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हैं या उनसे कैसे काम करवाना है, आप हर किसी के पास जाके ये नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या कर रखा है, आपने उसके लिए मैनेजर हायर कर रखा है, और वो मैनेजर इन सब चीज़ों को हैंडल करता है, सभी लोगों को हैंडल करता है, कैसे काम को अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाना है वो ये सब करता है, और वो मैनेजर आपका आप जो भी आइडिया उसको दोगे एग्जीक्यूट करेगा वो। तो वो मैनेजर जो है वो कौन सा मैनेजर है, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर आपका मैनेजर है। तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आप जो भी ऑर्डर दोगे तो क्या वो मैनेजर काम नहीं करेगा। एक इमेजिनेशन में भी आपने जो अभी देखा, सेम वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप जो ऑर्डर उसको दोगे वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और अब्राहम हिक्स ने इतने अच्छे से इसमें बोला है कि आप एक मैनेजर को कितना $500,000 ईयरली दे रहे हो, और सिर्फ उसके टाइटल के लिए कि हाँ वो मैनेजर है, और उसको आप वो बार बार हमेशा आपसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और आप बोलते हो नो नो थैंक यू। तो सिर्फ इतना बोलने के लिए आप उसको इतना पैसा क्यों दे रहे हो। एक्चुअली वो पूरा अमाउंट है 41,297,755 इंडियन रुपीज। तो आप सोचिए इतना सारा अमाउंट हम उसको दे रहे हैं ईयरली, और उससे सिर्फ ये उसको केवल मैनेजर के टाइटल के लिए दे रहे हैं, उससे कुछ भी काम नहीं करवा रहे। तो ये तो हमारा पावर है और हमको याद ही नहीं है और हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये हमारा लैक है या हमारी कमी है। तो आज से माय डियर फ्रेंड, यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए मैनेजर की तरह काम करता है, तो आप उसको किस तरीके से बोलिए। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या वो अपने मैनेजर को ऑर्डर कैसे दोगे। सबसे पहले आप जो भी ऑर्डर दो वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मीन्स आपकी जो
गोल है वो सिंगल गोल होना चाहिए और बहुत ही क्लियर मैसेज जाना चाहिए मैनेजर को। देखो कई बार हम अगर चीजों को गड़बड़ तरीके से बताते हैं तो कंफ्यूजन में वो वैसी ही चीजें आपका काम बिगाड़ देगा, वैसे ही करेगा। तो आपको बहुत क्लियर वाइब्रेशनली इंस्ट्रक्शन देना है यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, लोग बहुत सारी चीजें एक साथ चाहते हैं। मैं पैसा भी अच्छा बनाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस भी करना चाहता हूँ, मैं ऑथर भी बनना चाहता हूँ, मैं और भी बहुत सारी चीजें चाहता हूँ। तो इन सारी चीजों को एक साथ करने की बजाय इससे क्या कंफ्यूजन वाले सिग्नल यूनिवर्स में जाएंगे, तो आपका मैनेजर भी कैसे उसको सही तरीके से समझेगा, उसको भी नहीं समझ में आएगा किसको पहले करना है क्या करना है। तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। तो सिर्फ सिंगल एक कोई भी, या आप जैसे मनी के लिए चाहती हो कि मैं इतना पैसा मंथली अर्न करना चाहता हूँ या बनाना चाहता हूँ। अर्न तो आप इस्तेमाल ही नहीं करना अर्न सब, क्योंकि हम अट्रैक्ट करते हैं पैसा, तो आप मेकिंग मनी जरूर बोल सकते हो। तो आप यही उसको क्लियरली बताओ कि मैं इतना अमाउंट में पैसा चाहता हूँ, या मैं ये जॉब करना चाहता हूँ मैं, या ये चाहता हूँ। इस तरह से एकदम क्लियर सिर्फ सिंगल डिजायर यूनिवर्स में उसको आपको देना है, वाइब्रेशनली उसको बोलना है। दूसरी बात, बी फेथफुल, उस पर डाउट नहीं करना है। अभी देखो आपको पता है कि आप उस मैनेजर को इतनी सैलरी दे रहे हो, तो आप कहीं एक बार डाउट करोगे क्या कि वो मैनेजर मेरी बात को नहीं सुनेगा, या आप उस पर डाउट करोगे क्या? तो वो डाउट आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया और काम खत्म, फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, उस पर डाउट नहीं करना है। तो ये जब भी आप यूनिवर्स में अपनी डिजायर दो या वाइब्रेशन वैसे क्रिएट करो, जो आस्क वाला स्टेप है वो करो, तो उसके बाद उस पर बिलीव करना है, फेथ रखना है कि वो हर चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। तो कैसे होना है, उस समय आपको बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी और ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है और हमेशा खुश रहना है। उसके बाद अपने जो भी रूटीन के काम है वो काम करना है, और उन कामों में भी आपको पॉजिटिविटी देखना है। आप ऑफिस के काम में जो अच्छे से अच्छा आप कर सकते हो वो करिए, किसी की हेल्प कर सकते हो वो कीजिए, आपके पास जो चीज है उसके लिए थैंक यू बोलिए। मतलब एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल आपको अपनानी है, और इस तरह से उस पर विश्वास करना है और लेट गो कर देना है उस विश को। तो आपका जो मैनेजर है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके लिए आपकी रियलिटी बनाने में देर नहीं लगाएगा। और जो थर्ड स्टेप है बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको उस चीज को फील करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हम कई बार क्या, हम सोच भी लेते हैं कि हाँ ये हो गया, बट हम वैसे एक्ट भी नहीं करते हैं, फील भी नहीं करते, हम वैसा जीते ही नहीं है। तो आपने अगर कोई विश मांगी है, मैनेजर को बोल दिया है, तो उस पर विश्वास करना है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल आपको अपनानी है, और थर्ड चीज कि आपको वैसे ही फील भी करना है, एक्ट भी करना है। और आप देखिए कि मिनटों में, कई बार तो आप देखोगे कोई चीज आपने अगर याद की और अगर बहुत अच्छी लगी, तो कई बार वो सामने रोड से आपके निकल जाती। मान लो गाड़ी आपको कोई पसंद है, कोई अच्छी लगी, आपने सोचा और वो तुरंत निकल गई। तो देखो मैनिफेस्टेशन कैसे मिनटों में भी होते हैं। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम इसमें आड़े आ जाते हैं, बट डोंट वरी, जब आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे, बी हैप्पी रहना सीख जाओगे, सरेंडर इट, आप सिर्फ अपना काम करो, यूनिवर्स आपके लिए काम करना शुरू करेगा। तो आप वैसे भी हल्का महसूस करोगे, और इस तरह से आप ये प्रोसेस करके देखिए, और आपके मैनिफेस्टेशन को देखना, रॉकेट की स्पीड मिलती है, क्योंकि आपका मैनेजर ही इतना बढ़िया है कि आप जो बोलोगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट करके देगा। तो ट्रस्ट योर मैनेजर, बिलीव इट, सरेंडर इट, एंड एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।